Brought to you by My 11 Circle. Win first prize Mahindra Thar. Download the app now. पिछले कुछ समय से ये मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है कि वनडे क्रिकेट में अब बहुत कुछ बदलना चाहिए। अगर इसका रोमांच कायम रखना है तो टेस्ट और T20 की तरह ही इसके नियमों में बदलाव करने चाहिए। क्रिकेटर और एक्सपर्ट्स दोनों का मानना है कि टेस्ट और T20 के सामने वनडे क्रिकेट का क्रेज अब थोड़ा सा घट गया है। हाल ही में वनडे क्रिकेट को अलविदा कहने वाले इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने भी अपने रिटायरमेंट के पीछे यही तर्क दिया था कि आज के हालात में तीनों फॉर्मेट खेलना काफी मुश्किल है, क्योंकि एक वनडे मैच को खत्म होने में तकरीबन 9 घंटे का समय लगता है, जो आज के हालात में दर्शकों के लिए काफी उबाऊ भी है। तो क्या वो समय आ गया है जब वनडे क्रिकेट को खत्म कर देना चाहिए, या वनडे क्रिकेट को वापस जिंदा करने के लिए T20 और टेस्ट के बराबर खड़ा करने के लिए इसमें क्या बदलाव होने चाहिए, इस पर पेश है हमारी ये आज की स्पेशल रिपोर्ट। इंटरनेशनल क्रिकेट के तीन फॉर्मेट में कुछ वक्त पहले तक ODI क्रिकेट का सबसे अधिक बोलबाला था। वजह ये थी कि हर 4 साल में क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन होता था और इसके जरिए क्रिकेट को अपना विश्व चैंपियन मिलता था। 51 सालों के वनडे क्रिकेट इतिहास में कई उतार चढ़ाव आए। व्हाइट कॉलर वाले इस जेंटलमैन गेम को सचिन तेंदुलकर जैसा कोहिनूर हीरा भी मिला, जिसने ODI क्रिकेट को ग्लोबली काफी रोमांचक और लोकप्रिय भी बनाया। आज से तकरीबन 5 दशक पहले 5 जनवरी 1971 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मैच खेला गया था। ये मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन होने के सफर में 1976 से लेकर 2022 तक 12 ODI क्रिकेट विश्व कप खेले गए, जिसमें पहले वेस्टइंडीज का दबदबा और फिर बाद में ऑस्ट्रेलिया का एक छत्र राज देखने को मिला। इस दौरान भारत ने भी 2 वर्ल्ड कप जीतकर ODI फॉर्मेट को दुनिया भर में सबसे अधिक लोकप्रिय बना दिया। लेकिन आज उसी ODI फॉर्मेट को खत्म करने की बात कही जा रही है। सचिन तेंदुलकर से लेकर शाहिद अफरीदी तक कह रहे हैं कि ODI क्रिकेट का रोमांच अगर कायम रखना है तो इसके ओवर्स में कटौती करनी चाहिए या फिर इसके नियमों में कई बदलाव करने की जरूरत है। वजह यह है कि दर्शक अब 9 घंटे तक लगातार मैच देखने में इंटरेस्टेड नहीं है और रोमांच भी अब नहीं रहा। वजह कई सारे हैं। कोविड के बाद वनडे फॉर्मेट के मैचों की लोकप्रियता में खासी गिरावट भी देखने को मिली है। 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद अगर हम बात करें ODI मैचों की, तो पिछले 3 सालों में खासी कमी देखी गई है। पिछले 3 सालों में दुनिया भर में कुल 576 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए। भारतीय टीम जो दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिकेट अभी खेल रही है, उसने पिछले 3 सालों में अभी तक सिर्फ 32 वनडे मुकाबले खेले हैं। वनडे क्रिकेट को वापस कैसे जिंदा किया जाए, इसको लेके समय समय पे दिग्गजों ने अपने राय भी रखे हैं। इन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे कि दिग्गजों की क्या राय है, वनडे क्रिकेट को कैसे रिवाइव किया जाए। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने हाल ही में बयान दिया था कि वनडे क्रिकेट को अगर वापस जिंदा करना है तो इसके ओवर्स में कटौती करनी चाहिए, जिसका समर्थन करते हुए टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने भी कहा कि अब वो समय आ गया है जब वनडे क्रिकेट के 50 ओवरों की जगह 40 ओवरों के मैच होने चाहिए। शास्त्री ने कहा कि 1983 विश्व कप तक 60 ओवर के वनडे मैच होते थे, लेकिन जिसके बाद दर्शकों के लगातार घटते क्रेज को देख के इसके ओवर्स में कटौती की गई और इसे 50 ओवर का किया गया, तो अब वो समय आ गया है जब वनडे क्रिकेट को 50 की जगह 40 ओवर का करना चाहिए। वहीं वनडे क्रिकेट के सबसे शानदार बॉलर्स में शुमार किए जाने वाले पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने तो यहां तक कह डाला कि वनडे क्रिकेट अब खत्म हो चुका है, जरूरत है कि इस फॉर्मेट को भी खत्म कर देना चाहिए। लेकिन कुछ वक्त पहले क्रिकेट के गॉड यानी मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी वनडे क्रिकेट को लेकर अपनी राय रखी थी। सचिन ने कहा था कि अब वो वक्त आ गया है जब वनडे मैच में 2 पारी की जगह 4 पारियां होनी चाहिए, मतलब 25-25 ओवर की 4 पारियां। एक टीम पहले 25 ओवर खेले, उसके बाद दूसरी टीम 25 खेले, फिर तीसरी वही जो टीम है वो दूसरी इनिंग खेले और फिर जो दूसरी टीम है वो जाके 25 ओवर खेले। इन दिग्गजों के अलावा एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि वनडे क्रिकेट को अगर वापस रिवाइव करना है तो इनके ओवर्स में कटौती करनी चाहिए और जितने हो सके ज्यादा से ज्यादा वनडे मैचेस खेले जाने चाहिए। लेकिन हाल के कुछ मैचों को देखें तो 50 ओवर के क्रिकेट में फिर से वो पुराना रोमांच लौटता दिख रहा है। बात अगर टीम इंडिया की करें तो पहले इंग्लैंड और अब वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के शुरुआती 2 मुकाबले बेहद रोमांचक रहे। एक लंबे वक्त के बाद ऐसा हुआ जब किसी वनडे मैच में पूरे 100 ओवर का खेल हुआ हो। भारत वेस्टइंडीज के बीच हुए इन दोनों मैचों के नतीजे
दूसरी पारी के 50वें ओवर यानी मैच के 100वें ओवर में निकल के आए। लेकिन इसके बावजूद इस वनडे सीरीज में किसी की कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही। इसके कई कारण हैं, क्योंकि भारत के हिसाब से यह मैच देर रात तक चलता है और इसके अलावा रोहित, विराट, बुमराह और पंत जैसे बड़े स्टार्स भी इस सीरीज का हिस्सा नहीं है। लेकिन इन सबसे इतर वनडे क्रिकेट में फैंस कितना उब चुके हैं, इसके कई किस्से सामने आए हैं। लोगों ने ट्विटर या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि वह पूरा वनडे मैच नहीं देख पा रहे क्योंकि 9 घंटे का टाइम काफी ज्यादा होता है और वो बोरिंग जैसा लगने लगा है। बात अगर इंडिया वेस्ट इंडीज इस वनडे सीरीज की करें तो पहले वनडे मैच में भारत ने 308 का स्कोर बनाया, जवाब में वेस्ट इंडीज 305 रन बना पाई। टीम इंडिया ने तब आखिरी ओवर में 15 रन बचाए थे और ये मैच जीता था। तो वहीं दूसरे वनडे मैच में वेस्ट इंडीज ने 311 रन बनाए और टीम इंडिया ने आखिरी ओवर में 312 रन बनाकर जीत हासिल की। अक्षर पटेल ने छक्का जाकर टीम इंडिया को श्रृंखला में 2-0 की लीड दिलाई थी। एक वनडे मैच को पूरा होने में कम 9 घंटे का समय लगता है। मौजूदा दौर में इतना वक्त कम ही लोगों के पास है, तभी T20 क्रिकेट का चलन सुपरहिट हो गया। कई देशों में T10 लीग की सुर्खियां हैं और लोगों को यह पसंद भी आ रही हैं। साथ ही इंग्लैंड में एक नया फॉर्मेट भी शुरू हो गया है, द 100। यहां सिर्फ 100 बॉल की एक पारी होती है, यानी पूरे 20 ओवर का गेम भी नहीं हो रहा है। इंग्लैंड जिसने क्रिकेट को जन्म दिया है और आज भी टेस्ट क्रिकेट को ज्यादा तवज्जो देता है, वहां द 100 जैसा फॉर्मेट सुपरहिट हो गया है। इस साल अक्टूबर में T20 विश्व कप खेला जाना है और पिछले एक साल के अंदर देखें तो ये दूसरा T20 विश्व कप होगा। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, तो वहीं इस साल ये विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में ही खेला जाएगा। साथ ही बायलिटरल सीरीज में भी अब वनडे की जगह T20 पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। ICC के सामने अब ये बड़ी चुनौती है कि वो वनडे क्रिकेट को एक बार फिर से ग्लोबली कैसे लोकप्रिय बना पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोर्ट्स तक। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।